दोस्तों पेंडल जंक्शन में मैंने आपको अराइवल नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे चार्ज ख़त्म नहीं। ट्रेन यहाँ पे पहुँचाई है 5 घंटा 35 मिनट लेट लगभग। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज की अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15050 गोरखपुर से चलकर कोलकाता को जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस में, जो कि वीक में चलती है 2 दिन मऊ के रास्ते और 4 दिन चलती है सिवान के रास्ते और 1 दिन चलती है वाया नरकटियागंज। तो हम लोग मऊ के रास्ते जाने वाले हैं, आज की जर्नी वाया मऊ होने वाली है। तो मैं आपको टाइमिंग बता दूँ तो इसका टाइमिंग अलग है और बाकी जो अलग रूट का है उसका टाइमिंग अलग है। तो मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग बता रहा हूँ। तो ये जब ये मऊ के रास्ते जाती है तो सुबह के 8:45 में गोरखपुर से निकलती है और अगले दिन सुबह में 4:40 में आपको कोलकाता पहुँचाती है। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे इस ट्रेन से 885 किलोमीटर 20 घंटे में विद एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें ना तो ICF ब्रेक्स इसकी भी है तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो चले चलते हैं फोन नंबर 9 पे। अभी मैं 8 पे खड़ा हूँ तो 9 पे जाना है वहाँ पर और अपनी ट्रेन लग गई है, चले चलते हैं। और अपना आज का कोच है D1। अपना कोच पिछली बार की तरह इस बार भी आगे मिला है, सबसे इंजन से सबसे पहला डब्बा है, मतलब DL1 है, फिर उसके बाद D1 है अपना। और अभी अपनी ट्रेन को लेकर जो लोकोमोटिव आया है वो डीजल लोकोमोटिव लेकर आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें WDP4D, ये डीजल लोकोमोटिव लेकर आया है अपनी ट्रेन को। और दोस्तों अभी हमें गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जहाँ तक यहाँ पर है आपको मिल जाएगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि इसकी लंबाई है 1505 मीटर। अभी मैं आ चुका हूँ अपने इंटीरियर में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये ICF ब्रेक में, ये मैंने जनरल बोगी में ये चीज़ अच्छा लगा कि सीट जो है अपडेट किया गया है, न्यू सीट लगाया है। लेकिन एक बात है, पूर्वांचल एक्सप्रेस को अब तक LHB रेक्स मिल जाना चाहिए था, नहीं क्योंकि बहुत पुरानी ट्रेन है और इस रूट पर क्या नाम है कोलकाता, और इस रूट पर गोरखपुर कोलकाता रूट पर इस ट्रेन की डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसको अब तक LHB रेक्स दे देना चाहिए था और इसका स्पीड जो है इनक्रीज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि 885 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ये ट्रेन लगा रही है 20 घंटे। अब सोचिए 20 घंटे में 885 किलोमीटर। तो अब मेरे ख्याल से इसको LHB रेक्स दे देना चाहिए था। आपका क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सामने आ चुकी है कुशीनगर एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक मुंबई से चलकर गोरखपुर में आकर एंड हो गई और लगभग अपने निर्धारित टाइम से 1 घंटे लेट आई गाड़ी। और दोस्तों बनाएंगे इसमें भी हम ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, अभी बहुत सी ट्रेन जर्नी जो है हमने कवर करना बाकी है, तो इसका भी जर्नी बनाएंगे। दोस्तों अपनी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है ना गोरखपुर जंक्शन में ही 2 घंटे लेट हो चुकी है, अब 8:45 की जगह 10:45 में निकलेगी, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों फाइनली अभी अपना जो है लोकोमोटिव लग चुका है, जो कि तुगलकाबाद शेड का है, WEB-7 लोकोमोटिव है जिसका रोड नंबर है 30334। अभी हम लोग को मस्त एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा क्योंकि WEB-7 लोकोमोटिव लग चुका है। और तो कर रहा है ना,
750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। इसका पहला हॉल्ट देवरिया सदर स्टेशन कोड DOSE। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एवरीडे 100 ट्रेन हॉल्ट होती है। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीज़न में। और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 2 घंटे 15 मिनट लेट। और आगे क्या होने वाला है, कितना लेट होने वाला है, कुछ मालूम नहीं है। आप पहुंच चुके हैं हम भटनी जंक्शन स्टेशन कोड DTT। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एवरीडे 70 ट्रेन हॉल्ट होती है और यहाँ से 6 ट्रेन ना ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। अभी भटनी जंक्शन पर गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर 15 मिनट और लेट हो गए, मतलब 2.5 घंटा टोटल गाड़ी लेट चल रही है। इधर 5 मिनट तो कम से कम ट्रेन रुकेगी। अब हम पहुंच चुके हैं अपना अगला हॉल्ट मऊ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MAU। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एवरीडे 77 ट्रेन हॉल्ट होती है और यहाँ से 6 ट्रेन ओरिजिनेट, 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और अपनी ट्रेन आई यहाँ पर लगभग 3 घंटा लेट और यहाँ से पैसेंजर सब बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। लगभग 10 मिनट हो चुका है और अपनी ट्रेन ना 4 घंटे लेट हो चुकी है। अब देखते हैं वो कितने देर में आता है। और अभी मतलब जनरल क्लास ना जनरल क्लास अभी उतना भीड़ नहीं है जनरल बोगी में, ठीक है, मतलब 50% खाली है, 50% लोग हैं।
275 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब अपनी ट्रेन पहुंची है छपरा जंक्शन। CPR और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहां पर एवरीडे 131 ट्रेन आकर होल्ट होती है और यहां से 22 ट्रेन ओरिजिनेट, 16 ट्रेन टर्मिनेट होती है और अपनी ट्रेन यहां पे पहुंचाई है 5 घंटा 35 मिनट लेट, लगभग 5.5 घंटा लेट है गाड़ी। और मैं सोचा था हाजीपुर बरौनी सब कवर करेंगे लेकिन ये सब आएगी लगभग 2 से 3 बज जाएगा, तो अगर हाजीपुर जल्दी आता तो वो कवर मैं कर लूँगा, बाकी मैं अगर लेट होता है तो फिर मैं आपको सुबह बताऊँगा इस ट्रेन का क्या कंडीशन है। तो अभी फिलहाल छपरा जंक्शन पर गाड़ी आ चुकी है और अपने निर्धारित टाइम से 5.5 घंटा लेट आई है। तो टाइम हो रहा है अभी एकदम 8:10 और अपनी ट्रेन अभी पेंडल जंक्शन पहुंचने वाली है 10 मिनट में, तो मेरा डेस्टिनेशन वहीं पर है, मैं पेंडल जंक्शन पर जर्नी को एंड करूंगा। और मैं आपको वॉशरूम दिखाने चला जाया हूं क्योंकि जनरल बोगी का वॉशरूम जो है ना पूरा गाड़ी जहाँ से गोरखपुर से आ रहा है और पूरा अपना डेस्टिनेशन आने वाला है, अभी तक वॉशरूम का कंडीशन पूरा सही है, एकदम गंदा वॉशरूम नहीं है, जनरल बोगी का बहुत ही बढ़िया वॉशरूम है, अभी तक सब साफ सफाई मेंटेन किया हुआ है, लेकिन पानी चला गया वॉशरूम ठीक है, वॉशरूम ज़्यादा गंदा गंदा नहीं है। पेंडल जंक्शन में मैंने आपको अराइवल नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे चार्ज ख़त्म हो गया था और फिर मैं पेंडल उतरा, वहीं पर जर्नी एंड किया, पेंडल उतरा और वहाँ से लोकल पकड़ के हावड़ा आया और मैंने बोला बताना ज़रूरी है क्योंकि चार्ज पूरे तरीके से डाउन हो गया था और पेंडल में मैंने अपना जर्नी एंड किया था। और हम लोग बिगिनर लोग हैं, हम लोग को सब चारों तरफ देख कर चलना पड़ता है, चार्ज का मैंने ध्यान नहीं दिया और सुबह सुबह चार्ज इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रहा था चार्जिंग सॉकेट में। सो गाइस रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए बाय।